हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड इस बार गाइस काफी मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे मेंस का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है। बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो गाइस नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे 20,000 प्लस बताई गई है, एसएससी का ऑफिशियल डाटा है। तो कम्प्लीट नोटिफिकेशन हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कब से कब तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की आपके लिए यहाँ पे 8 अक्टूबर रखी गई है। 8 अक्टूबर तक ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये वाली बात का आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो गाइज आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2022 के अंदर ही शेड्यूल है। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे टीयर टू एग्जाम की, तो टीयर टू एग्जाम अभी यहाँ पे नहीं बताया है कि आपका कब होने वाला है, आगे देख लेते हैं। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी सैलरी वगैरह चेक कर सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे गाइज जो मेजर चेंजेस यहाँ पे मिला है वो सबसे पहले तो ये है कि इस बार आपकी यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की है। आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैकेंसी है इसको ऐड किया गया है, अदरवाइज ये सीएचएसएल के थ्रू ही फुलफिल की जाती थी और इस चीज को आपको पहले ही बता दिया गया था। एज लिमिट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 27 ईयर इसकी यहाँ पे रहने वाली है। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी। अब आगे देखिए गाइस, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे इस बार अप्रोक्स निकाली गई हैं एंड ये गाइस बहुत ही बड़ा नंबर है। पहले ही एक्सपेक्टेड भी आपको बता दिया गया था कि इतनी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, बिकॉज वैसे भी वैकेंसीज का नंबर ज्यादा है और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। एंड गाइज यहाँ पे अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया गया कि कितनी वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए रिलीज की गई है, वो आपको बहुत जल्द यहाँ पे बता दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे एज लिमिट के क्राइटेरिया की, तो जो एज लिमिट का आपका क्राइटेरिया है वो यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को फुलफिल होगा एंड ये अपडेट भी आपको पहले ही दे दी गई थी कि इस बार यहाँ पे जो आपकी क्रूशियल डेट होगी एज की वो 1 जनवरी 2022 होगी। अब गाइज आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग अपनी जो भी 18 से 27 ईयर्स जिन पोस्ट के लिए उनकी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, नॉर्मली वैसे भी अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री कम्प्लीट की है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल है, बट डिजायरेबल ये रहेगी अगर आप लोगों ने यहाँ पे सीए किया हुआ है या फिर आप लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट के हैं आप लोग, तो इसके लिए या फिर आप लोगों ने सीएस किया हुआ है, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, या फिर आप लोगों ने मास्टर्स किया है इन कॉमर्स और मास्टर्स किया आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ये डिजायरेबल रहेगा यहाँ पे। साथ ही गाइज यहाँ पे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की बात करेंगे हम लोग, तो गाइज यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट की हो और साथ में आप लोगों ने बैचलर आपके पास यहाँ पे मार्क्स आपके जो होंगे वो 60% यहाँ पे होने चाहिए लिखा हुआ है, विद ए एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होनी जरूरी है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या फिर आप लोगों ने बैचलर डिग्री के अंदर अगर आपके पास 12th के अंदर मैथ्स नहीं थी तो बैचलर डिग्री के अंदर आप लोगों के पास स्टेटिस्टिक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही गाइस अब बात करेंगे ऑल अदर पोस्ट की, सिंपली अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ये जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डाटा है ये कौन सी डेट इसकी क्या क्रूशियल डेट है आपकी यहाँ पे कब कंप्लीट होना चाहिए, तो गाइस इसकी जो क्रूशियल डेट है वो यहाँ पे 8 अक्टूबर डिसाइड की गई है, यानी कि जो क्लोजिंग डेट रहेगी आपके फॉर्म फिल करने की, तो 8 अक्टूबर को आपका ये सारा डाटा यहाँ पे कम्प्लीट होना चाहिए, यानी कि आपके पास रिजल्ट वगैरह आपका होना चाहिए। अब बात करेंगे गाइस हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, 100 रुपीज की फीस पेमेंट है। अब बात करेंगे टीयर वन की यहाँ पे आपकी पैटर्न की, तो टीयर वन का पैटर्न सेम ही है गाइस, यहाँ पे आपका आपकी यहाँ पे रीजनिंग आएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, आपकी मैथ्स आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 मार्क्स के, जैसे आपके आते हैं सेक्शन वाइज 1 घंटा आपको टोटली मिलने वाला है। 0.25 की जो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, 0.50 यानी कि 1/4 की जो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है वो यहाँ पे होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग जैसे होती है। अब बात करेंगे गाइस टीयर टू की हम लोग, तो टीयर टू की आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, तो अब इसे आपको आप इसे ध्यान से समझिएगा। आपका एक पेपर वन होने वाला है एंड उसके बाद पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो आपका पहले हुआ करता था वो वैसे ही रहेगा, स्टेटिस्टिक्स का एंड जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं अपने पेपर वन की, जो आपका पेपर वन रहेगा उसमें जो सेशन वन उसके अंदर भी सेशन डिवाइड किए हैं, सेशन वन एंड सेशन टू। अब सेशन वन के अंदर भी आप देखेंगे तो सेक्शन डिवाइड किए हैं, तो सेशन वन के अंदर सेशन वन आपको जो मिलेगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है।
इस सेशन वन के अंदर सेक्शन वन है। सेक्शन वन के अंदर आप देखेंगे दो मॉड्यूल है। जो सेक्शन वन है उसके अंदर मैथ्स एंड रीजनिंग हो गई आपकी, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सेक्शन वन के अंदर यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर के 60 मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आप देख सकते हैं 180 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का यहाँ पे मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1 घंटा आपको हर सेक्शन के लिए मिलेगा, यानी मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटा मिलेगा ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको। उसके बाद सेक्शन टू के अंदर भी आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसके अंदर 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। एंड आपके यहाँ पे 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। टोटल आपके यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो गए, और ये भी गाइस यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका, यानी कि आपके यहाँ पे 210 नंबर का ये पेपर हो गया आपका, और 1 घंटा ही आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलने वाला है। अब देखिए गाइज आप लोग यहाँ पे सेक्शन थ्री देख लेते हैं। सेक्शन थ्री के अंदर यहाँ पे मॉड्यूल वन है आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, तो इसके अंदर आपके यहाँ पे 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे, और वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाले आपके, यानी कि 60 मार्क्स के हो गए। 15 मिनट आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। एंड सेक्शन जो आपका थर्ड होगा उसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो सेक्शन थर्ड का जो सेकंड मॉड्यूल होगा उसके अंदर भी आपको 15 मिनट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। हर मॉड्यूल के लिए 15 मिनट मिलेंगे। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा आपका यहाँ पे, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट इसी के अंदर लिया जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे आपको 2000 की इंप्रेशन करना होगा 15 मिनट्स के अंदर। तो ये यहाँ पे आपका क्राइटेरिया मांगा गया है। नेक्स्ट पेपर सेकंड और पेपर थर्ड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे आपके 2 नंबर के, एंड 100 क्वेश्चन होंगे आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे होने वाला। तो 200 मार्क्स का आपके पेपर हो गया, 2-2 घंटे आपको मिलेंगे। ये जैसे पहले होता था उसी तरीके से होने वाला है। आगे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेक्शन वाइज आपके यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है। सेक्शन वन के अंदर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आ गया, सेक्शन टू के अंदर आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आ गया, सेक्शन थ्री के अंदर आपकी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो गया, और आपका यहाँ पे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हो गया। तो यही अब आपका मेंस का पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। सभी को जो आपका टीयर ये जो पेपर वन है ये सभी के लिए कंपलसरी, आप देख सकते हैं जो पेपर वन है वो सभी के लिए कंपलसरी है, जिसके अंदर ये तीनों सेक्शन दिए हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर टू गिवन है वो यहाँ पे आपको JSO वगैरह की जो पोस्ट होती है उसी के लिए देना पड़ेगा, स्टेटिस्टिक्स वगैरह का। एंड पेपर थ्री जो है आपको वो यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो होप सो गाइस आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। नया है, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी, आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा क्या सिलेबस वगैरह रहने वाला है, वो भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आगे बता दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है कि पेपर वन सभी के लिए यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है टीयर टू के अंदर। ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आगे आपको वो और अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ वन, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड पेपर वन के यहाँ पे जो आपके होगी एंड ऑफ 0.25 मार्क्स, यहाँ पे आपकी जो निगेटिव मार्किंग वगैरह है वो भी यहाँ पे आपकी गिवन है 1/3 की इस तरीके से। तो आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी अगर आपका 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। साथ ही गाइज अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप अभी प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे 20,000 आप देख सकते हैं 20,000+ वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छा है, पैटर्न में भी चेंज हुआ है। तो इस वक्त आप लोगों के पास एक मौका है, जिन लोगों को लगता है मेरी मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, टीयर टू कैसे हो पाएगा, तो गाइज यहाँ पे अब पैटर्न भी चेंज किया गया है। तो ये सभी के लिए न्यू रहने वाला है, ये चांस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अपनी प्रिपरेशन को आप लोग अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स द्वारा, सारी चीजें आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलती है। आप PMYT कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर गाइस आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास PDF, रेगुलर डाउट सेशन, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा। आपको कहीं भी अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। PMYT कोड लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया, और उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए गाइस। ये मौका काफी अच्छा है, 20,000+ वैकेंसीज काफी समय बाद देखने के लिए मिली है, तो इस मौके को हाथ से मत जान दीजिए। अगर अभी तक आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी PMYT कोड लगा के जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो PMYT कोड नोट कर लीजिए, PMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट।